दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 20 जून 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी VYPL 2021 के फेज 2 को लेकर आप सभी IPL फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर निकल कर आ रही है। वही दूसरी तरफ भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे को लेकर भी आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए तीन बहुत ही बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया 0 सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के Season 1 के फाइनल महामुकाबले को लेकर जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन के दी रोज बोल के मैदान पर खेला जा रहा है, दूसरे दिन का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। आप सभी को बताया कि भाई पहले दिन का खेल तो यहां पर पूरी तरह से बारिश में धुला, लेकिन दूसरे दिन यहां पर बारिश ने तो परेशान नहीं किया, लेकिन आप सभी को पता है कि भाई ड्यूक बॉल से रेड बॉल से यह मैच खेला जा रहा है, पिंक बॉल का यहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप सभी को यह भी पता है कि डे नाइट टेस्ट है जिसके चलते भाई वहां पर बैड लाइट का इश्यू रहा और भाई काफी लंबे टाइम तक बीच में मैच को रोकना भी पड़ा। खैर जैसे तैसे यहां पर डे 2 पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि भारतीय टीम के नाम रहा, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, भारत को यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा, दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी खासी बल्लेबाजी जरूर की थी, लेकिन भाई यहां पर रोहित शर्मा केवल 34 रन बनाकर, वही दूसरी तरफ शुभमन गिल 28 रन बनाकर आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा ने भी यहां पर पूरी तरह से सभी भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश किया, केवल 8 रन बनाकर वो वापिस पवेलियन लौट गए, लेकिन बाद में यहां पर कमान संभाली कप्तान विराट कोहली और वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने, दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से क्रीज पर सेट हो गए थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिया और भाई डे टू का जो पूरा का पूरा हालचाल रहा, उस हालचाल को आप सभी लोग साइड में देख पा रहे हो कि भाई यहां पर एक भारतीय टीम एक अच्छी कंडीशन में जरूर नजर आ रही है। कप्तान विराट कोहली की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हमें यहां पर देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई जुलाई के महीने में भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और श्रीलंका आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज होने वाली है। और भाई यहां पर इस सीरीज के रिगार्डिंग आज हमें BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से 3 बहुत ही बड़े अपडेट्स जानने को मिले हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन तीनों अपडेट्स की। तो पहला अपडेट यहां पर है भाई क्वारंटाइन को लेकर। जी हां, यहां पर पहले ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी भाई भारत में यहां पर टीम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेगी, आइसोलेशन में रहेगी, उसके बाद जब भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर जाएगी तो वहां पर जाने के बाद केवल 2-3 दिन के क्वारंटाइन के बाद रिलैक्सेशन मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन भाई यहां पर जो COVID-19 के प्रोटोकॉल्स है, वहां पर लगातार COVID-19 केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल साफ साफ ऐसा बोल दिया कि भाई किसी भी टाइप का कोई भी रिलैक्सेशन यहां पर खिलाड़ियों को नहीं मिलने वाला और भाई वहां पर जाकर 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट है प्रैक्टिस मैच को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी को बताया था कि भाई पहले रिपोर्ट थी कि भाई 3 प्रैक्टिस मैच हो सकते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आई कि भाई 2 मैच हो सकते हैं जहां पर एक वनडे और एक T20 होने वाला है। बाद में रिपोर्ट आई कि भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा बोल दिया कि भाई किसी भी टाइप का कोई भी प्रैक्टिस मैच इंट्रा स्क्वाड मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसके बाद भाई यहां पर शायद BCCI ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि भाई यहां पर अगर कोई सिनेरियो सेट होता तो उस सिनेरियो को सेट कर दीजिए, लेकिन भाई फाइनल अपडेट आ चुका है किसी भी टाइप का कोई भी इंट्रा
दूसरा स्कोर मैच हमें यहां पर श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम का दिखाई नहीं देने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है श्रीलंकन टीम के अनाउंसमेंट को लेकर। यहां अब सभी को पता है कि भाई अभी तक भारत के खिलाफ श्रीलंकन टीम का ऐलान नहीं किया गया, तो भाई इसके रिगार्डिंग भी कल एक बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला। अपडेट कुछ ऐसा कि भाई यहां पर श्रीलंका की जो टीम भारत के खिलाफ होने वाली है उसका ऐलान जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में किया जाएगा। वहां पर श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम चुनी जाएगी और जैसे यहां पर फाइनल स्कोर्स आएंगे तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 के फेज 2 को लेकर, जहां पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। एक तरफ जहां फॉरेन खिलाड़ियों का अवेलेबल होना यहां पर बड़ी मुसीबत बना हुआ था, वही दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर आईपीएल के खेमे के लिए निकल कर आ रही है। जहां खबर कुछ है कि भाई वेस्ट इंडीज टीम के, वेस्ट इंडीज कंट्री के जितने भी खिलाड़ी है वो यहां पर आईपीएल 2021 के फेज 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार, भाई उन्होंने यहां पर आईपीएल के फेज 2 के लिए खुद को अवेलेबल कर लिया। उसके बाद अब बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 को लेकर, जहां पर होस्टिंग को लेकर अभी भी लगातार सस्पेंस बना हुआ कि भाई कौन सी कंट्री में हमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के महामुकाबले देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई डेट्स को लेकर कल यहां पर बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहां फाइनली टेंटेटिव डेट यहां पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 की आ चुकी है, जहां पर भाई 18 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली और भाई 14 या फिर 15 नवंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये फाइनल डेट्स नहीं है, केवल टेंटेटिव ये डेट्स है भाई यहां पर, मतलब जो बताया जाता है कि भाई अंदाजे से यहां पर इन तारीखों में हमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 दिखाई देने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है CPL यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग 2021 को लेकर, जहां पर भाई बीसीसीआई ने जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई उनका जो CPL यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग का इस साल का सीजन उसको थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया जाए, थोड़ा पहले उसका फाइनल मैच किया जाए, तो भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। जी हां, 15 सितंबर को हमें यहां पर 15 सितंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला देखने को मिलेगा और रिपोर्ट ऐसी कि भाई उसके जस्ट 4 दिन के बाद हमें वीवो आईपीएल 2021 का फेज 2 देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है आज 20 जून 2021 के क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों का आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।